अगर मुंह से दुर्गंध आता हो तो एक लौंग मुंह में रखकर नित्य भोजन के बाद चूसने से मुंह से बदबू आनी बंद हो जाती है एवं दुर्गंधमय सांस दूर हो जाती है। शरीर की दुर्गंध, कफ, लार और मुंह दुर्गंध को दूर करने के लिए इसका उपयोग गुणकारी है। इसके अतिरिक्त श्वास काश में लवंग मुख में रखने से कफ आराम से निकल जाता है और कफ की दुर्गंध दूर होती है, दांत की पीड़ा दूर होती है और दांत मजबूत होते हैं, एसिडिटी दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, गठिये की पीड़ा दूर होती है तथा मुंह में वात के छाले मिटते हैं। पान में ज़्यादा चूना खाने से जीभ फट गई हो तो वह एक लौंग चूसने से ठीक हो जाती है। यदि पाचन विकार के कारण मुख से दुर्गंध आती हो तो भोजन के पश्चात दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से दूर होती है। यह मुख रोग और सूखी खांसी में भी लाभदायक है। इसमें बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है और गले की खुश्की और आवाज़ की कर्कशता ठीक हो जाती है। एक गिलास पानी में एक नींबू का रस मिलाकर प्रातः कुल्ले करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। ऐसा 2-3 हफ्ते करने से लाभ मिलता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।